जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गोंदिया जिले में लगातार तीसरे दिन रात के इस समय के आसपास तेज हवा और बिजली चमकने के साथ झमाझम बारिश हुई है। इस बारिश से धान, मक्का, गेहूं, आम, सूरजमुखी सब्जी की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आइए देखते अगली खबर। नई मुंबई, सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण लोगों को खुद ही सड़कों की सफाई करनी पड़ती। नवी मुंबई नगर निगम को चार दिन पहले राज्य सरकार से स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला, लेकिन असल स्थिति कुछ और ही है। एक ही नगर पालिका के तुरबे इलाके में सेक्टर 21 अलकनाथ स्कूल से लेकर इसियल स्कूल तक पूरे फुटपाथ पर फैले कचरे की तस्वीरें। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि पिछले 20 दिनों से नगर पालिका का कोई भी सफाई कर्मचारी इस जगह की सफाई करने नहीं आया है। यह कहते हुए, हम लोग झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे हैं। हमने कुछ जाने माने सफाई कर्मचारियों से पूछा तो अजीब सा जवाब मिला कि कर्मचारी कम होने के कारण नहीं आ सकते। यहाँ के दुकानदार बता रहे हैं कि अगर आप स्टाफ कम है तो स्वच्छता पर करोड़ों रुपए कहाँ और किसके भरोसे नगर पालिका खर्च कर रही है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाली नगर पालिका केवल इक्का दुक्का और दिखाई देने वाले स्थानों की सफाई का ढोंग कर सरकार व राज्य सरकार को धोखा दे रही है। छत्रपति संभाजीनगर कृषि उपज मंडी समिति में भाजपा शिवसेना की बड़ी जीत। छत्रपति संभाजीनगर कृषि उपज मंडी समिति ने शिवसेना बीजेपी गठबंधन की 15 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें महाविकास आघाड़ी को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा है और अन्य उम्मीदवारों ने 2 सीटों पापड़ी और वदिरा पर जीत हासिल की है। उम्मीदवारों का कहना है कि यह जीत चुनाव की प्रस्तावना है और आने वाले चुनाव में शिवसेना को बीजेपी का समर्थन मिलेगा। मतदाताओं ने सभी मतदाताओं का आभार जताया। विजयी प्रत्याशियों ने कहा है कि इससे साबित हो गया है कि राज्य की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं बल्कि शिवसेना भाजपा गठबंधन के साथ है।